भारतीय जनता पार्टी शिक्षक प्रकोष्ठ कानपुर महानगर उत्तर द्वारा गुरुवार को भाजपा जिला अध्यक्ष दीपू पांडे की अध्यक्षता में बीएनएसडी शिक्षा निकेतन इंटर कॉलेज बेना झावर कानपुर के सभागार में राष्ट्र निर्माण में शिक्षक की भूमिका विषय पर शिक्षक सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में एमएलसी उमेश द्विवेदी, प्रदेशीय उपाध्यक्ष शिक्षक प्रकोष्ठ भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश ने अपने आह्वान पर शिक्षकों को राष्ट्र निर्माण हेतु संस्कृति एवं कर्तव्यनिष्ठ राष्ट्र के प्रति समर्पण युक्त नागरिक तैयार करने हेतु प्रेरित किया तथा राष्ट्र निर्माण पर प्रत्यक्ष रूप से अपनी भूमिका तय करने हेतु आग्रह किया। वहीं भाजपा जिला अध्यक्ष उत्तर दीपू पांडे ने शिक्षकों को राष्ट्र निर्माण हेतु तथा क्षमतावान बनाने हेतु प्रत्यक्ष रूप से शिक्षकों को राष्ट्र निर्माण एवं सांस्कृतिक स्वाभिमान हेतु छात्रों को समर्थ गुरु रामदास महर्षि वाल्मीकि महर्षि वशिष्ठ महर्षि सांदीपनी गुरु द्रोणाचार्य बनाकर राष्ट्र को नई दिशा प्रदान कर मेधावी प्रतिभावान गुरु के रूप में पूरे राष्ट्र को चंद्रगुप्त शिवाजी श्रीकृष्ण श्रीराम अर्जुन जैसे शिष्य प्रदान करने हेतु प्रेरित किया। वहीं इस सम्मेलन में कल्याणपुर विधानसभा की विधायिका नीलिमा कटियार ने भी शिक्षकों को राष्ट्र निर्माण हेतु अपना योगदान देने के लिए प्रेरित किया। वहीं वेणु रंजन भदौरिया पूर्व शिक्षक विधायक प्रत्याशी भाजपा ने बताया कि उत्तर प्रदेश में योगी और भारतवर्ष में मोदी समाज एवं राष्ट्र को जगतगुरु के आसन पर बैठाने के लिए किस प्रकार से लगातार दिन रात प्रयत्नशील हैं एवं विकासशील राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने हेतु कृत संकल्पित हैं। वहीं इस सम्मेलन में प्रमुख रूप से उमेश द्विवेदी, प्रदेशीय उपाध्यक्ष शिक्षक प्रकोष्ठ, नीलिमा कटियार विधायिका, दीपू पांडे जिला अध्यक्ष, वेणु रंजन भदौरिया, परमानंद शुक्ला, डॉक्टर वी के उमर, ब्रजमोहन सिंह प्रधानाचार्य, डॉक्टर गिरीश मिश्र, मंजू शुक्ला, मनप्रीत सिंह, अभिनव तिवारी, राघव तिवारी, अखिलेश शुक्ला प्रधानाचार्य कौमद इंटरनेशनल स्कूल, राम बहादुर पाल, विवेक अवस्थी, नवीन सचान, अंकुर शर्मा, रोचक रोहतगी, प्रमोद सिंह, शैलेंद्र द्विवेदी, सुनील पांडे, अमन शुक्ला, राधा वल्लभ आदि गणमान्य लोग उपस्थित रहे। शिक्षक बंधु एवं बहनों, आज के सम्मेलन में भारतीय जनता राष्ट्र निर्माण में शिक्षकों की भूमिका इस विषय को लेकर है और हमारे संस्कृति में हमारी परंपराओं में माता पिता के साथ अगर किसी को हमारी परंपराओं में हमारे राम के चरित का वर्णन करते हैं, उनके बालकाल बालपन का वर्णन करते हैं, बाल उठके भगमाता मात पिता गुरु नाम ठीक भैया भैया सामने ठीक। हमारे बहुत सारे शिक्षक बंधु और हमारी शिक्षिका बहने, हम सबको शिक्षक को सर्वश्रेष्ठ दर्जा होने के नाते सबसे पहले प्रणाम करते हैं। हमारे मंच की शोभा बढ़ा रहे अपना मूल्यवान समय हमारे शिक्षक संगोष्ठी में प्रदान करते हुए लखनऊ से पधारे एमएलसी अपने विधायक महोदय आदरणीय माननीय उमेश द्विवेदी जी, हमारी अपने जिसमें हमारे आदरणीय अध्यक्ष, आदरणीय बहन नीलिमा दीदी, हमारे आदरणीय एमएलसी उमेश जी। मैं कहता हूं लोगों के काम जब इस डीआईएस ऑफिस में नहीं बनते तो सबसे ज्यादा रोष तभी होता है। अब हमारे आदरणीय शुक्ला जी बैठे हुए हैं, तमाम शिक्षक बंधु बैठे हुए हैं, अभी समाज कल्याण विभाग के 17 विद्यालयों के शिक्षकों का भुगतान 4-4 महीने से नहीं हो रहा था। हमारी आदरणीय बहन ने एक फोन पर उनका भुगतान कराया। तो हम माननीय मोदी जी से शुरू करके और नीचे तक के पूरे अपने गुरु ही है जो हमें इस जीवन को जीने की कला संस्कृति और हृदय से अभिनंदन और वंदन करता है। आज के समाज में जो संस्कार दिए जाने हैं, उन माता पिता के बाद सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होता है भविष्य के निर्माण का, तो उसके लिए कार्य करने वाला प्रत्येक व्यक्ति धन्यवाद का पात्र है और हम सब उनको नमन करते हैं। मुझे पता है आपका समय कीमती है तो मैं बात को वापस पटरी पे लाता हूँ। उमेश द्विवेदी जी, हम सबके
लीड कानपुर के लोकप्रिय विधायक पूर्व मंत्री श्रीमती नीलिमा कटियार जी, अभी कुछ समय पूर्व शिक्षक एमएलसी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रहे आदरणीय वेणु रंजन जी, जिम्मेदारी आप हमारे हैं, अपने हैं, और हम लोग कभी या कोई भी समाज शिक्षक को कभी आदेश नहीं दे सकता, कोई निर्देश नहीं दे सकता, उनसे हम लोग आग्रह कर सकते हैं, निवेदन कर सकते हैं कि आप सहयोग करिए। अपने देश की जो परिस्थिति थी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब 2014 में आए, आप सोचते लगभग 10 साल बीतने वाला है, उस समय जो देश की स्थिति थी, हमारे तीन तीन बार के मुख्यमंत्री थे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, और विदेश में उनको वीजा नहीं मिला। अब सोचिए क्या परिस्थिति थी हमारी, लगता था कि देश कितना पीछे है, जैसे कोई बहुत छोटा मोटा लोग अपने आग में बिहार कहते, बिहार बड़ा पिछड़ा। देखिए, चुनाव की बेला है, चयन की बेला है, और भारतीय जनता पार्टी पूरी मजबूती के साथ, प्रतिबद्धता के साथ देश के समाज के हर वर्ग के पास अपनी बात लेकर के जा रही है। उसी क्रम में पूरे देश के अंदर इसी प्रकार से शिक्षकों के सम्मेलन हो रहे हैं। ये कानपुर उत्तर जिले का शिक्षक प्रकोष्ठ का सम्मेलन है, और यहाँ पर जो सम्मानीय शिक्षकगण हैं उनसे जो समाज को दिशा देने का काम करते हैं। चयन की इस बेला में सम्मानीय प्रधानमंत्री देश के नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से देश का नेतृत्व किया है, और जिस प्रकार की वातावरण विपक्षी दल इस देश के अंदर बनाने का प्रयास कर रहे हैं, और कुतर्कों के माध्यम से एक भ्रम और एक झूठ फैलाने का काम कर रहे हैं, तो आज सम्मानीय शिक्षकों के बीच में वो सारी बातें आने का काम हुआ है कि जिस प्रकार से राष्ट्र निर्माण के अंदर जिस शिक्षकों की भूमिका जो होती है, तो आज जब देश ये विकासशील से विकसित होने की प्रक्रिया से जुड़ गया है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जुड़ गया है, तो ये जो सम्मानीय शिक्षकगण हैं वो अपने उसी दायित्व की भूमिका के साथ, मजबूती के साथ आज समाज के अंदर उतर करके आएंगी, ऐसा निवेदन, ऐसी अपेक्षा सम्मानीय शिक्षकों से आज यहाँ करी गई है। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications. And this is absolutely free.